आज की वीडियो में जो मैं लेकर के आया हूँ ये ड्रेसिंग का हमारा आगे का टॉपिक है। तो आज हम लोग जो समझने वाले हैं, जो हम लोग दोस्तों सीखने वाले हैं, ये मोबाइल फोन के अंदर आज जो अपना टॉपिक होने वाला है, ये मोबाइल फोन के अंदर हम लोग चार्जिंग सेक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। आज का टॉपिक जो हम आपको सिखाने वाले हैं कि हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में चार्जिंग की समस्या आती है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं, चार्जिंग को रिपेयर करने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों चलो चलते हैं अपने पिछली बोर्ड के ऊपर और बोर्ड में भी समझते हैं कि कैसे चार्जिंग की जो समस्या आती है उसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। ये दोस्तों जितने भी सारी जो हम आपको वीडियो बनाकर दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ये आपके लिए वीडियो समझ लीजिए बहुत हेल्पफुल है। और हेल्पफुल होने का मतलब ये है कि आपको इससे मदद मिलने वाली है। मदद क्या मिलने वाली, मदद ये मिलने वाली है कि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन ठीक होने के लिए आता है तो ठीक होने का मतलब होता है आप उसको रिपेयर कैसे करेंगे, आप उसको चेक कैसे करेंगे, टेस्टिंग कैसे करेंगे। ये सारी चीजें जो है दोस्तों मैं आपको वीडियो आपको बना करके दे रहा हूँ और ये वीडियो आपसे हेल्पफुल तो होंगी होंगी और इनसे आप 10 चीजों को सीखेंगे और आप ये भी जानेंगे कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग को सीखना कितना आसान है। जिसको रिपेयरिंग को सीखने के लिए बहुत लोगों ने हुआ बना रखा है लेकिन रिपेयरिंग करना कितना बहुत आसान है आज मैं आपको और भी बताऊंगा कि आज हमारे पास दो लोग ऐसे लोग ट्रेनिंग के लिए आए थे जो इस लाइन में बड़ा अनुभव रखते हैं। 8 साल कह रहे हैं सर मुझे 8 साल 9 साल हो गए इस लाइन में काम करते करते, लेकिन हमने जब उनसे कुछ बातें शेयर करी तो बाद में रिजल्ट क्या निकल आया कि सर हमको भी काम सीखना है। तो चलिए दोस्तों हम पहले अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि आज हम लोग जो समझने वाले हैं चार्जिंग के बारे में समझने वाले हैं कि मोबाइल फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है उसको कैसे चेक किया जाता है या चार्जिंग की समस्या को रिपेयर करने का तरीका क्या है, मोबाइल फोन के अंदर जो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है चार्जिंग की प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर किया जाता है, चार्जिंग की प्रॉब्लम को कैसे टेस्ट किया जाता है, ये वीडियो में मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम राघवन और मैं एक ईश्वर कानपुर से बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग है, लैपटॉप रिपेयरिंग है, इस तरीके से टेक्निकली कोर्स सिखाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है, पूरा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है या इससे लेकर जब तक जो भी प्रॉब्लम आती है सारी प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर किया जाएगा उसको रिपेयर करने का तरीका आपको सिखाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और अपने टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्जिंग सेक्शन के ऊपर कि हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में चार्जिंग सेक्शन की प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं और चार्जिंग सेक्शन की प्रॉब्लम को कैसे चेक करते हैं। सबसे पहली बात मैं आप लोगों से जो शेयर करता हूँ वो मैं आपको ये शेयर करने वाला हूँ कि चार्जिंग से आपके मोबाइल फोन में प्रॉब्लम क्या क्या आती है, मतलब जिस कमी को आप रिपेयर करने वाले हो उसमें कमी क्या क्या है, मतलब क्या क्या कमी आती है जिनको आप ठीक करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात चार्जिंग में सबसे पहली प्रॉब्लम आती है चार्जिंग का मतलब होता है आपके पास कोई भी कस्टमर मोबाइल फोन बनवाने के लिए आता है जब उसमें आप चार्जिंग पर लगाते हो तो चार्जिंग बिल्कुल बताता ही नहीं, चार्जिंग बिल्कुल शो नहीं करता। जब चार्जिंग बिल्कुल शो नहीं करता तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम होती है और हमको समस्या आती है कि यार मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं हो रही है। ये पहली समस्या आती है, कस्टमर कहता है देखो भैया मेरा फोन तो चल रहा है लेकिन उसमें चार्जर लगा है तो चार्जिंग नहीं बता रहा है, चार्जिंग दिखा नहीं रहा है। या चार्जिंग होते होते कई बार ऐसा होता है कि फोन आपका डेड भी हो जाता है, जैसे कोई आपके पास आया मोबाइल फोन बनवाने के लिए और उसका चलते चलते फोन जब बंद हो जाता है तब वो चार्जिंग पे लगाता है, जब चार्जिंग पे लगाने जाता है तो चार्जिंग होता ही नहीं, तो उस कंडीशन पे उसका मोबाइल फोन डेड हो जाता है, मोबाइल फोन बंद हो जाता है। तो ऐसी भी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आती है मैसेज आना, मैसेज का मतलब होता है जैसे कोई भी एरर क्लिक करके आता है, नॉट सपोर्ट क्लिक करके आता है, इनवैलिड चार्जर लिख कर गया था, चार्जर टेम्परेचर टू लो, चार्जर टेम्परेचर टू हाई, चार्जिंग बैटरी टेम्परेचर टू लो, शटडाउन, ऐसा बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो ये मैसेज की कैटेगरी में आता है कि चार्जिंग लगाते हैं चार्जिंग तो बताता है लेकिन चार्जिंग बताने के बाद उसमें मैसेज आना शुरू हो जाता है कि चार्जिंग से मैसेज आता है। उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम आती है कि बैटरी स्टोर नहीं होती, बैटरी स्टोर नहीं होती। आपके पास कोई भी मोबाइल फोन बनने के लिए आता है उस मोबाइल फोन में जब आप चार्जिंग पर लगाते हो तो चार्जिंग पर लगाने पर आपके मोबाइल फोन की बैटरी स्टोर नहीं होती, मतलब बैटरी चार्ज नहीं होती। जैसे आपने चार्जिंग पर लगा दिया 10% बैटरी चार्ज होगी उसके बाद बंद हो जाएगा।
आपने मोबाइल फोन को चार्जिंग में लगा दिया और 10% की जगह बैटरी और डाउन हो रही है, डीप में जा रही है, डाउन मोड में बंद हो गई, जब फिर फुल चार्ज हो रही है ऐसी प्रॉब्लम आती है तो बैटरी स्टोर नहीं होती है। उसके बाद चौथी प्रॉब्लम आती है ऑटोमेटिक चार्जिंग। ऑटोमेटिक चार्जिंग का मतलब होता है जब आप किसी भी मोबाइल फोन को लगाते हो चार्जिंग पे, तो चार्जिंग लगाने पर चार्जिंग होता है, चार्जिंग हटा देते हो तो चार्जिंग बंद हो जाती है। तो ऐसी समस्या ऐसी ऑटोमेटिक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। तो मैंने आज आपको जो हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो चार्जिंग सेक्शन के बारे में बता रहे हैं, चार्जिंग सोल्यूशन आपको बता रहे हैं। इसमें मैं आपको बिल्कुल कीपैड मोबाइल फोन से लेकर के नोकिया सैमसंग एलजी मोटो आईफोन से लेकर के आपको स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन सभी मोबाइल फोन के चार्जिंग के सर्किट में आपको समझाने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे बेसिकली टेस्टिंग करी जाती है, दूसरा तरीका मैं आपको सर्किट का बताऊंगा, तीसरा सिमेटिक का बताऊंगा, इस तरीके से पीसीबी में इसका प्रैक्टिकल करेंगे, हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप चार्जिंग का सोल्यूशन हम आपको बताएंगे। ये वीडियो कम से कम 4 से 5 टॉपिक में पूरा वीडियो बनेगा, जिसमें आप लोग अगर पूरा देखेंगे तो पूरा अच्छी तरीके से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपके पास कोई भी फोन बनने के लिए आएगा तो आप चार्जिंग की समस्या को ठीक कैसे करेंगे, चार्जिंग की प्रॉब्लम को रिपेयर कैसे करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम आती है नो चार्जिंग, दूसरा आता है मैसेज होना यानी एरर आना, नॉट चार्जिंग, नॉट सपोर्टेड ऐसा मैसेज आना, इसी प्रॉब्लम आती है बैटरी स्टोर नहीं होती, चौथी प्रॉब्लम आती है ऑटोमेटिक चार्जिंग आती है। इसके बाद एक और मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आ रही है ऑफ में चार्जिंग होती है। ऑफ में चार्जिंग मतलब फोन को स्विच ऑफ कर दोगे तो जब मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दोगे तब आप मोबाइल फोन में आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग होगी, लेकिन जब चालू करोगे तो चालू करने पर आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं होगी, मतलब स्विच ऑफ करने पर चार्जिंग होगी वैसे चार्जिंग नहीं होगी। तो पहली प्रॉब्लम आती है ऑटोमेटिक चार्जिंग आती है, दूसरी आता है ऑफ करके चार्जिंग होगा। अगर इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये सारी प्रॉब्लम किसकी होती है, चार्जिंग की होती है। तो प्रॉब्लम सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले प्रॉब्लम आता है नो चार्जिंग, क्या होता है नो चार्जिंग, दूसरा होता है मैसेज आना, एरर आना, नॉट सपोर्टेड ऐसा मैसेज आना, तीसरी प्रॉब्लम आती है बैटरी स्टोर ना हो, क्या होता है बैटरी स्टोर ना हो, चौथी प्रॉब्लम आती है ऑटोमेटिक चार्जिंग होती है, पांचवा होता है यदि आपका मोबाइल फोन ऑफ हो जाता है चार्जिंग ना हो, ऑफ में चार्जिंग ना हो, चालू करोगे ऑफ में चार्जिंग हो और चालू करोगे तो चालू करने पर चार्जिंग नहीं होती। ऐसी बहुत सारी मोबाइल फोन में कई सारी ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है जिनको हम लोग क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना सीखेंगे। तो दोस्तों ये हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमारे पास फोन आते हैं जिनको हम लोग क्या करने वाले हैं, रिपेयर करने वाले हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम को हम लोग ठीक करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं चार्जिंग की प्रॉब्लम को ठीक करने से पहले आपको पता होना चाहिए मोबाइल फोन में चार्जिंग ट्रैक के बारे में कि आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग का ट्रैक कैसी होता है, चार्जिंग की ट्रैक कैसी होती है जिसको आप लोग क्या करेंगे चेक करेंगे। चार्जिंग की समस्या को रिपेयर करने से पहले आपको पता होना चाहिए चार्जिंग ट्रैक। चार्जिंग ट्रैक का मतलब होता है कोई भी कस्टमर आपके पास मोबाइल फोन बनवाने के लिए आता है और जब आप मोबाइल फोन बनाने के लिए उस मोबाइल फोन के अंदर का जो मदरबोर्ड होता है उसको खोल करके आप बाहर निकाल लेते हो, मतलब जो पीसीबी होता है उसको बाहर निकाल लेते हो। जब पीसीबी बाहर निकालोगे तो आप उसी को तो रिपेयर करोगे ना, उसके अलावा कोई दूसरा चीज तो है नहीं जिसमें आप रिपेयर करने वाले हो, तो रिपेयर किस पे करने वाले हो, आप इस बोर्ड में रिपेयर करने वाले हो, तो जब इस बोर्ड में रिपेयर करने वाले हो तो इस बोर्ड को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात आपको ये समझना पड़ेगा कि चार्जिंग का ट्रैक क्या चीज है, मोबाइल फोन में चार्जिंग की सप्लाई चलती कैसे है, अगर आपके पास कोई भी फोन बनने के लिए आता है तो चार्जिंग की सप्लाई कैसे चलती है, उसको चेक कैसे किया जाता है, ये आज हम आपको पूरा आपको समझा रहे हैं। सबसे पहली बात क्या, चार्जिंग के लिए आपके पास कोई भी मोबाइल फोन होता है तो मदरबोर्ड में चार्जिंग की सप्लाई आती है वो आपकी जैक पर आती है, जैक से करंट आगे जाता है और ये करंट तो माना जाता है बैटरी कनेक्टर। तो हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन में चार्जिंग ट्रैक के लिए सबसे पहले चार्जिंग जैक से सप्लाई जाएगी, चार्जिंग जैक से सप्लाई कहाँ पर जाएगी, बैटरी कनेक्टर में जाएगी जिससे आपके मोबाइल फोन में बैटरी चार्ज होगी। अब हम लोग क्या करते हैं इसको बोर्ड में भी हैंड टू हैंड देखते रहते हैं ताकि आपको सब चीज़ों के बारे में अच्छे से क्लियर होता रहे। मैं आपको बोर्ड में भी डिस्प्ले कराता हूँ और मेरे पास एक पीसीबी बोर्ड रखा हुआ भी है ताकि आप थोड़ा सा लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे मान लिया मेरे पास ये मोबाइल फोन का बोर्ड है, इसी बोर्ड को मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अगर आप डिस्प्ले करके देखेंगे मैं थोड़ा सा इसको जूम को कम करता हूँ, ये देखिए अगर आप देखेंगे इस मोबाइल फोन में चार्जिंग जैक और बैटरी कनेक्टर तो भाई देखो दोनों आपके सामने लगे हुए हैं, ये आपका चार्जिंग जैक है और ये आपका क्या है बैटरी कनेक्टर है।
अगर आप देखने वाली बात करेंगे तो जैसे आपके पास मोबाइल फोन में प्लेट है तो प्लेट में से चार्जिंग जैक से करंट चलेगा और ये करंट जाने के बाद कहाँ पर जाएगा, बैटरी कनेक्शन हो जाएगा, जिससे आपके मोबाइल फोन की क्या होगी, बैटरी चार्ज होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट आपके पास कोई फोन आता है तो पहली चीज तो आपको चार्जिंग जैक को चेक करना है, दूसरी चीज आपको बैटरी कनेक्टर को चेक करना है। लेकिन चार्जिंग जैक की जो सप्लाई होती है बैटरी कनेक्टर पर डायरेक्टली नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं घूम फिर करके सप्लाई जाती है। वो कहाँ पर जाती है हम लोग चलो उसको समझेंगे। तो चार्जिंग जैक का काम होता है सप्लाई को इन करना, यहाँ पर सप्लाई इन होती है और जब इन हो जाती है तो यहाँ पर सप्लाई आपकी आउटपुट सप्लाई होती है, ये इनपुट हो गया और ये आपकी आउटपुट सप्लाई होती है। जब यहाँ पर आपकी बैटरी कनेक्ट हो जाती है और बैटरी कनेक्ट होने के बाद आपके मोबाइल फोन में बैटरी का चार्जिंग होना चालू हो जाता है, मोबाइल फोन में चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो चलिए हम लोग आगे अपने डायग्राम पे चलते हैं, डायग्राम को थोड़ा सा समझते हैं। मैं आपको और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आ सके और आप एक अच्छे तरीके से मोबाइल फोन को रिपेयर कर सकें। तो चार्जिंग जैक से सप्लाई सबसे पहली बात आएगी, यहाँ के बाद करंट कहाँ जाएगा, बैटरी कनेक्टर पर जाएगा। जब बैटरी कनेक्टर पर करंट चला जाएगा तो उसके बाद फिर आपकी अगली आती है कि जो चार्जिंग जैक जो होता है इस जैक में जो सप्लाई आती है डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर पर नहीं आती, सबसे पहली बात जाती है चार्जिंग आईसी के अंदर। चार्जिंग आईसी अपने पास से आउटपुट निकालता है तब करंट आपका जाता है बैटरी कनेक्टर के अंदर। जैसे एग्जाम्पल दिखाता है, आप अपने मुँह में खाना खाते हो तो डायरेक्ट पेट में नहीं जाता, अगर आप मुंह में खाना खाओगे तो सबसे पहले दिमाग में जाएगा ताकि दिमाग सोचेगा कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, अंदर क्या ले जाना है कौन बाहर ले जाना है, तो ये दिमाग सोचता है, फिर उसके बाद तब पेट में जाता है। तो अब आप क्या करेंगे कि अगर आप देखेंगे तो जो आपका जो खाना खाने के बाद जो दिमाग सोच रहा है तो क्या सोच रहा है, ये सेंस कर रहा है कि भाई खाना कितना अंदर ले जाना है कितना बाहर ले जाना है, कब समय समय पर ले जाना है। उसी तरीके से आपके मोबाइल फोन में जो चार्जिंग जैक से सप्लाई जो चार्जिंग आईसी पे जाएगी, चार्जिंग आईसी को सेंस करती है कि कितना वोल्टेज ले जाना है कितना वोल्टेज नहीं ले जाना है, क्या इनपुट होगा क्या आउटपुट होगा, बैटरी चार्ज करना है कि नहीं चार्ज करना है, बैटरी फुल है कि नहीं फुल, इन सारी बातों का इन्फॉर्मेशन चार्जिंग आईसी पर होती है। तो चार्जिंग जैक अपने पास से करंट लेगा वहाँ जाएगा चार्जिंग आईसी में देगा, चार्जिंग आईसी से करंट निकलेगा फिर कहाँ पर जाएगा, बैटरी कनेक्टर पर जाएगा, तब आपके मोबाइल फोन में बैटरी चार्ज होगी। अगर आप सिग्नल्स की बात करेंगे तो सबसे पहली बात आपके कोई भी मोबाइल फोन आएगा तो आप उसमें चार्जिंग जैक को चेक करेंगे, फिर आप बैटरी कनेक्टर को चेक करेंगे, फिर आप ये चेक करेंगे, चार्जिंग आईसी को चेक करेंगे, मतलब तीन स्टेप में आप चेक करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो आपका बनता है वो चार्जिंग जैक से लेकर चार्जिंग आईसी तक का होता है, चार्जिंग आईसी से लेकर के बैटरी कनेक्टर तक का हिस्सा होता है। ये वाला हिस्सा होता है इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं इनपुट और ये वाला हिस्सा होता है इस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट सप्लाई बोलते हैं। हम लोग क्या करेंगे इसी चीज को, चलो हम लोग चलते हैं अपने मदरबोर्ड पे जूम करते हैं या पीसीबी पे देखते हैं। मैं हैंड टू हैंड आपको प्रैक्टिकल भी करा रहा हूँ ताकि आप सब चीज़ें, तो अगर आपके हाथ में कोई ऐसा बोर्ड होता है ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप देखेंगे तो इस मोबाइल फोन के अंदर जो आपका ये प्लेट लगा हुआ है, इस प्लेट के अंदर ये आपका सबसे पहली बार जो चीज लगी ये आपका चार्जिंग जैक लगी, चार्जिंग जैक से करंट चलेगा और ये करंट जाने के बाद आपका जाएगा चार्जिंग आईसी के अंदर, चार्जिंग आईसी से करंट निकलेगा फिर ये करंट जाएगा तुम्हारा बैटरी कनेक्टर के अंदर। तो पहली बात क्या है, करंट जब आपका चलने का व्यू क्या है, करंट चलने का तरीका क्या है, करंट चलने का यही सिस्टम है कि आपके मोबाइल फोन में सबसे पहले करंट यहाँ से चलेगा, यहाँ से जाने के बाद तब चार्जिंग आईसी में जाएगा, चार्जिंग आईसी के बाद फिर करंट चलने के बाद तब आपका करंट आ जाएगा, बैटरी कनेक्टर जाएगा, तब आपके मोबाइल फोन में बैटरी चार्ज होगी। तो यहाँ से लेकर के अगर आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा आपका एक हिस्सा है इसका, और यहाँ से लेकर के ये वाला हिस्सा जो होता है ये आपका आउटपुट कहलाएगा। तो ये आपका करंट क्या हो गया इनपुट, और यहाँ से ये करंट जब बैटरी कनेक्टर पे आ गया तो ये हमारा क्या हो गया आउटपुट हो गया। तो ये इनपुट आउटपुट का ये हमारे मोबाइल फोन में चार्जिंग का सर्किट पूरा हो गया। आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में चार्जिंग के लिए मात्र इतना ही सर्किट आप चेक करेंगे और आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग की समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा आपके मोबाइल फोन में और सारी चीज़ें जो लगी होती हैं वो किसी और काम के लिए लगी होती हैं लेकिन चार्जिंग के लिए फिलहाल नहीं होती। अब हम लोग अपने आगे ब्लॉक डायग्राम के ऊपर चलते हैं, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो ये चार्जिंग जैक से लेकर करंट कहाँ पर गया, बैटरी कनेक्टर गया, चार्जिंग जैक से लेकर चार्जिंग आईसी बैटरी कनेक्टर गया। अब इसमें आगे की डिटेल के बारे में बात करेंगे, जैसे आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में चार्जिंग के लिए क्या सिस्टम हो जाता है, ये चार्जिंग जैक लगा होता है, चार्जिंग जैक में दो पॉइंट होते हैं, एक हो जाता है प्लस दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है माइनस। इसका जो माइनस सप्लाई होती है ये माइनस सप्लाई आपकी ग्राउंड हो जाती है, माइनस
गया हूँ, होने के बाद ये प्लस सप्लाई आगे चलती है, ये प्लस सप्लाई आगे चलने के बाद ये प्लस सप्लाई तुम्हारी चली जाती है चार्जिंग आईसी के अंदर, चार्जिंग आईसी से करंट निकलता है, ये आपकी आउटपुट सप्लाई होती है। इसके बीच में यहाँ पर कई बार कंपनी एलडीआर लगा देती है, कई बार कंपनी क्वाई लगा देती है, कई बार कंपनी यहाँ पर डायोड भी लगा देती है। उसके बाद ये सप्लाई तो तुम्हारी आगे जाती है, तो ये सप्लाई आगे जाने के बाद तुम्हारी चली जाती है बैटरी कनेक्टर के अंदर, यहाँ बैटरी कनेक्टर माइनस हो जाता है। अगर आप इसके तर्क में जाएंगे, एक चीज को समझेंगे थोड़ा सा, इसमें सिर्फ अगर ओनली देखा जाए तो ओनली सिर्फ पॉजिटिव जो है, सिर्फ पॉजिटिव की ही कनेक्टिविटी है, इसकी कनेक्टिविटी है पॉजिटिव की ही कनेक्टिविटी है ओनली। अब माइनस वाली अगर आप बात करेंगे तो माइनस वाले का जो सर्किट है वो माइनस का सर्किट जो है वो टोटली जो आपका दिया हुआ है वो पूरा ऐसे ग्राउंड है। ग्राउंड का मतलब होता है माइनस माइनस का डायरेक्ट, माइनस माइनस का ट्रैक क्या है डायरेक्ट, सिर्फ ओनली कनेक्टिविटी किसकी है प्लस की कनेक्टिविटी है, माइनस की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अगर आपके मान लिया आपके मोबाइल फोन में कल को अगर माइनस की सप्लाई खराब हो जाती है तो आप कहीं भी ग्राउंड को जोड़ दीजिए, इधर भी माइनस की खराब हो जाती है तो कहीं भी ग्राउंड को जोड़ दी तो माइनस की लाइन में कनेक्शन हो जाएगा, और कुल मिलाकर के आपको सिर्फ प्लस की लाइन को चेक करना पड़ेगा। किससे चेक करना पड़ेगा दोस्तों, सिर्फ ओनली प्लस की लाइन को चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जो भी मोबाइल फोन आएगा उस मोबाइल फोन के अंदर जो पॉजिटिव सप्लाई आती है उस पॉजिटिव सप्लाई को आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, और ये चेक करने का हमारा सिस्टम है। तो ये जो जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सिर्फ प्लस की कनेक्टिविटी होती है। कल को कंपनी क्या कर देती है, कंपनी अगर मान लिया कोई बदलाव करती है, जैसे आपने बोला कि कंपनी ने बदलाव किया, कंपनी ने चेंजेस किया, कंपनी ने चेंजेस क्या किया मैं आपको वो भी समझाता हूँ। चलिए इसको पहले मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। कंपनी ने बदलाव क्या किया है, कंपनी ने ये बदलाव किया है कि जैसे मान लिया आपके मोबाइल फोन में आपने कंपनी ने पांच पिन में जैक लगा लिया, पांच पिन में जैक में कितने पिन होंगे दोस्तों, पांच पिन होंगी, पांच पिन में से ये वाली पिन तुम्हारी डायरेक्ट माइनस हो जाने वाली है, फिर ये प्लस सप्लाई आगे जाएगी, इसके बीच में कोई ना कोई कंपनी लगाएगा तो सप्लाई कंपनी आपकी ले जाएगी चार्जिंग आईसी के अंदर, चार्जिंग आईसी अपने पास से आउटपुट निकालेगा, आउटपुट निकालने के बाद पास में एलडीआर लगाएगा, डायोड लगाएगा, उसके बाद सप्लाई चली जाएगी तुम्हारी बैटरी कनेक्टर के प्लस पे, अब इधर में माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों डायरेक्ट। उसके बाद फिर आपकी अगली सप्लाई आती है, जो अगली सप्लाई जो आपकी आएगी वो फिर आपकी जाने वाली है कहाँ पर, मान लिया चार्जिंग जैक बदल गया, ये चार्जिंग जैक आपका पाँच पिन की जगह नया जैक आ गया, टाइप सी की जगह आ गया, ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह पिन में जाएगा, चौदह पिन में से लास्ट वाली पिन माइनस होती है ये डायरेक्टली हो गई, इसके बाद चौथे चौथे नंबर की प्लस होती है, ये प्लस सप्लाई आपकी जान जाएगी, ये कहाँ जाएगी चार्जिंग आईसी के अंदर, चार्जिंग आईसी सप्लाई को लेगी, सप्लाई को लेने के बाद ये कहाँ पर डाल देगी बैटरी कनेक्टर पर डाल देगी, इसका माइनस डायरेक्ट हो गया, माइनस 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 क्या हो गया डायरेक्ट हो गया। मतलब जितने भी मोबाइल फोन आएंगे सारे मोबाइल फोन में यही सिस्टम बढ़ता रहेगा, तो उसमें जैसे जैसे जैक चेंज होते रहेंगे, बैटरी कनेक्टर चेंज होते रहेंगे, आईसी चेंज होती रहेंगी, लेकिन उसका बेसिक वर्किंग कॉन्सेप्ट वैसे ही होगा कि चार्जिंग की जो सप्लाई है वो सबसे पहले चार्जिंग एसे चलेगी, चार्जिंग एसे चलने के बाद उसकी माइनस ग्राउंड हो जाएगी, प्लस सप्लाई आगे बढ़ेगी, प्लस सप्लाई आगे बढ़ने के बाद वो सप्लाई पहुंचेगी चार्जिंग आईसी पर, चार्जिंग आईसी सप्लाई निकलेगी एलडीआर पे जाएगी, एलडीआर से बैटरी कनेक्टर जाएगी। ये जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सभी मोबाइल फोन का ये चार्जिंग का सीक्वेंस होता है। चार्जिंग सीक्वेंस का मतलब होता है जैसे आप एग्जाम्पल की बात है, अगर आप खाना खाने के लिए बैठे तो चाहे आप दाल चावल रोटी कुछ भी खाएं, अगर आपने पहले खाना लिया उसको मुंह पे ले जाएंगे, उसको चबाएंगे खाएंगे दिमाग से सोचेंगे फिर अंदर ले जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी काम करें जो भी सारा काम करेंगे सारा प्रोसेस करने का तरीका यही रहेगा। उसी तरीके से हमारे मोबाइल फोन में चाहे ओप्पो आ जाए, चाहे वीवो आ जाए, चाहे सैमसंग आ जाए, चाहे लिनोवो आ जाए, चाहे माइक्रोमैक्स आ जाए, चाहे कोई भी मोबाइल फोन आ जाए, उस मोबाइल फोन के अंदर जो चार्जिंग का जो सीक्वेंस होने वाला है वो यही होने वाला है। तो अब मैं आपको बोर्ड में बात करता हूँ, इसी चीज को मैं आपको प्ले में दिखाता हूँ, बोर्ड में आपको अच्छे से यूज कराता हूँ ताकि इन सब चीजों के बारे में अच्छे से आप देख सकें। जैसे एग्जाम्पल की बात है, ये आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग जैक लगा है, चार्जिंग जैक में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता रखा है कौन सा पॉइंट प्लस होता है कौन सा पॉइंट माइनस होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ पर चार्जर लगा देंगे, चार्जर लगाने पर चेक करेंगे, यहाँ पर आपको चेक करने पर पांच वोल्ट करंट मिलेगा, पांच वोल्ट करंट मिलता है तो इट मीन्स आपका जैक सही है, नहीं मिलता जैक खराब है, जैक के माइनस वाली पिन में चेक करेंगे तो बीप आएगी, ये पिन आपकी ग्राउंड है, इसको
बाद ये प्लस सप्लाई आगे जाएगी, प्लस सप्लाई आगे होने पर कैपेसिटर से होते हुए आपकी ये सप्लाई कहां चली जाएगी, चार्जिंग आईसी के अंदर। चार्जिंग आईसी से करंट आपका आउटपुट निकलेगा, कैपेसिटर से होते हुए चली जाएगी बैटरी कनेक्टर में प्लस पर, और आपके मोबाइल फोन में बैटरी में चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब इसका ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है। अगर राउंड फिगर में देखा जाए तो ये वाला ग्राउंड एक ही, सिर्फ प्लस वाला जो लाइन आया है, ये प्लस वाली लाइन की जो कनेक्टिविटी है, ये प्लस वाली लाइन की कनेक्टिविटी ही यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए इसके अंदर से कन्वर्ट होते हुए तब यहाँ से आपकी आगे चली। लेकिन माइनस से देखा जाए सर, जा माइनस डायरेक्ट है, क्योंकि माइनस यहाँ से ग्राउंड जुड़ गया, इसका इधर ग्राउंड जुड़ गया, मतलब माइनस माइनस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये आपके मोबाइल फोन में मैंने आपको चार्जिंग का आपको सीक्वेंस बताया। चलिए मैं मेरे पास जो दूसरा बोर्ड है, मैं दूसरे बोर्ड में आपको इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। इसमें पांचवें पे देखता, ये वाली पहले नंबर की पिन जो होती है, पहले नंबर की पिन प्लस थी और पांचवें नंबर की पिन क्या थी, माइनस थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले बोर्ड के ऊपर, जैसे मेरे पास सैमसंग कंपनी का बोर्ड है, सैमसंग कंपनी के बोर्ड में हम लोग इसमें बात करेंगे। ये सैमसंग कंपनी का पीसी है, ऐसे मैं आपको रखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, डिटेल में दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। ये सैमसंग कंपनी का बोर्ड है, सैमसंग कंपनी के बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो ये आपका 20 पिन के चार्जिंग जैक लगा हुआ है। 20 पिन के चार्जिंग जैक में दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि 20 पिन के चार्जिंग जैक में क्या होता है, यहाँ की पहली दूसरी पिन प्लस होती है, आखिरी की पिन क्या होती है, माइनस होती है। माइनस सप्लाई ग्राउंड हो जाएगी, प्लस सप्लाई आगे जाएगी, प्लस सप्लाई आगे किसी कंपोनेंट को होते हुए आपकी सप्लाई चली जाएगी चार्जिंग आईसी के अंदर, चार्जिंग आईसी से निकलेगी, चार्जिंग आईसी से निकालने को सप्लाई चलेगी बैटरी कनेक्ट करके प्लस पर, जिसकी माइनस यहाँ पर ग्राउंड हो जाएगी, जिसका माइनस तो माइनस माइनस देखा जाए तो डायरेक्ट होगा। सिर्फ कहानी किसकी होने वाली है, प्लस की होने वाली है, प्लस सप्लाई का। ये आपका मोबाइल फोन में चार्जिंग का हमने आपको सीक्वेंस बताया था। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरीके से आपको मोबाइल फोन में चार्जिंग के बारे में मैंने आपको इस डिवाइस से बताया। ये एक ब्लॉक डायग्राम है, एक मॉकिंग तरीका है जिससे हम अपने बोर्ड में पहचान सकते हैं। भाई आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, जैसे प्लेट आता है रिपेयर होने के लिए, तो ऐसा नहीं कि आप मोबाइल फोन को ठीक होने के लिए आया और आप उम्मीद करके थे मल्टीमीटर आया लेकर के मोबाइल फोन घुस गए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसको लॉजिकली चेक करेंगे, लॉजिकली ये समझेंगे कि भाई मोबाइल फोन में कहाँ से करंट आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हमको कहाँ पर मल्टीमीटर लगाना है, कहाँ पर चेक करना है। तो ये सारी चीजें हमारे सेंस हमारे दिमाग में होना चाहिए, जब ये होगा तभी हम मोबाइल फोन को चेक कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप मुझसे कुछ भी करते रहो। अब हम लोग बात करते हैं, तो ये सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको बताया है, समझाया है कि चार्जिंग का मैंने सीक्वेंस का तरीका आपको समझाया कि मोबाइल फोन में चार्जिंग की समस्या आती है, तो चार्जिंग की समस्या को हम लोग सीक्वेंसली कैसे चेक करते हैं। तो ये दोस्तों जो मैंने आपको समझाया है, इसके माध्यम से आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि मोबाइल फोन में चार्जिंग की समस्या है, तो चार्जिंग की समस्या को आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स आती है, ये प्रॉब्लम्स आने के बाद ये हमारे चार्जिंग चेक करने का ट्रैक का चेक करने का तरीका होता है। अब इसके आगे की वीडियो में फिर हम लोग दोस्तों जानेंगे कि मोबाइल फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी तो कैसे चलती है, नोकिया में क्या तरीका होता है, सैमसंग में क्या तरीका होता है, ओप्पो वीवो या आई में क्या तरीका होता है, स्मार्टफोन में क्या तरीका होता है, आईफोन में क्या तरीका होता है, एंड्रॉयड फोन में क्या तरीका होता है, ये सब चीज के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ, ताकि आप वीडियो से आप ये समझ सकते हैं कि चार्जिंग को रिपेयर करना कितना आसान है। तो जो लोग ऐसे हैं कि आज मोबाइल फोन की लाइन में जीरो है, जो मोबाइल फोन के लाइन में अपने आप को फ्रेशर कहते हैं, या ऐसा कह रहे हैं कि मुझे सर 5-6 साल हो गया और मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनका काम के नाम पर बिल्कुल जीरो है, सिर्फ वो मल्टीमीटर चलाना जानते हैं, कहीं भी कुछ चीजों को चेक करना जानते हैं बस। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमारे पास दो लोग ऐसे सीखने के लिए आए थे जो उन्नाव में रहने वाले थे, और वो कम से कम 7-8 साल हो गए इस मोबाइल फोन में लाइन में काम करते करते। तो जब मैंने उनसे पूछा कि अगर आप इतने साल से काम कर रहे हैं तो रिपेयरिंग कर लेते हैं, हाँ सर जो मेरे पास मोबाइल फोन आ जाता है, जैसे काम को बदल देते हैं, बैटरी बदल देते हैं, यूआई बदल देते हैं, तो इन्होंने बड़े लंबे चौड़े मोटे मोटे ये पॉड्स गिनाए कि ये सारा काम कर लेते हैं। तो हमने कहा कि जब आप ये काम कर लेते हैं तो मोबाइल फोन के अंदर कोई खराब हो जाता है तो उसको कैसे चेक कर लेते हैं, हाँ मोबाइल फोन के अंदर हम शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, शॉर्टिंग को रिपेयर कर लेते हैं। मैंने कहा शॉर्टिंग क्या रिपेयर कर लेते हैं, कहते मेरे पास मल्टीमीटर है उसको बीच पर लगा देते हैं, और जितने मोबाइल फोन के जो भूरे भूरे कलर के लगे होते हैं
जो भी लगे होते हैं, जितने भी भूरे कलर के जो पहलवान होते हैं उनको सबको चेक करते हैं, अगर उनमें से कोई खराब होता है तो उसको निकाल के बाहर रख देते हैं, मोबाइल हमारा ठीक हो जाता है। तो हमने कहा जो भूरे कलर का लगा होता है होता क्या है, कहते हैं ये सब कुछ बात, ये समझ लो भूरे कलर का उसको ठीक करके मोबाइल फोन, जाने कितने मोबाइल फोन ठीक कर दिए, आजकल हम यही नहीं जानते। बस 7-8 साल के बाद आज हमको परेशानी हुई, तब हम आपके पास सीखने के लिए आए। सीखने का सबसे बड़ा औचित्य और ये भी है कि हम 7-8 साल से मोबाइल फोन को रिपेयर कर रहे हैं और कई दुकानों पर जाकर के अपने मोबाइल फोन को ठीक कराते हैं, सागर मार्केट में आकर के मोबाइल फोन बनवाते हैं, नवस्था जाते हैं वहाँ पर भी मोबाइल फोन को बनवाते हैं, और भी जो लोग जानने वाले हैं जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करते हैं उनसे भी मोबाइल फोन बनवाते हैं, लेकिन उसमें से मोबाइल फोन बन जाते हैं, हम कस्टमर को दे देते हैं, उसके बाद पैसा ले लेते हैं। और हमारी दुकान जो सबसे बढ़िया दुकान चलती है, मोबाइल फोन की सबसे तगड़ी दुकान चलती है, तो हमारे पास कस्टमर ने हमको, किसी कस्टमर ने हमको आज हमको इंसल्ट किया कि भाई मोबाइल फोन तो तुम ठीक करते हो, जब तुम खुद ही नहीं बना पाते, दो दो तीन दिन फोन रखते हो तो किसी दूसरे से बनवाते, तो इसे कब तक काम चलेगा, जाओ कहीं कुछ काम तुम सीखा हो जा करके। तब सर जी मेरे दिमाग में बात लग गई, तो हमने कहा चलो सर के पास कहीं चलते हैं, कहीं सीख लेंगे। तो सर एक हमारा दोस्त है, ये काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा है, वीडियो के माध्यम से कुछ मोबाइल फोन भी ठीक करे, कुछ सीखने को मिला, और आप जो चीजें पढ़ाते हो इसने बहुत अच्छे से नोट्स भी बना रखा है, तो इसके नोट्स को पढ़ करके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सर जब वीडियो के माध्यम से इतना सारा सब कुछ सिखा रहे हैं, तो अगर हम उनके पास पर्सनली जाकर सीखेंगे तो क्यों हमको पूरा जानकारी मिलेगा, पूरा सीखने को मिलेगा और हम कम्प्लीट तरीके से सीख सकते हैं। दूसरी बात क्या कि वीडियो के माध्यम से तो सर कभी किसी चीज को जिंदगी में, उन्होंने बोला भी कि वीडियो के माध्यम से कभी किसी चीज को जिंदगी में पूरा नहीं सीखा जा सकता, एक बार सीखने के लिए एक अच्छी ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, एक हमको गुरु उस्ताद बनाना ही पड़ेगा जिसके माध्यम से हम जाकर के सब चीजों को सीख सकें और पूरा अच्छी तरीके से अपने लाइफ में प्रॉपर तरीके से पूरा काम कर सकें। तो उन्होंने आज अपना मिले घंटे, 2 घंटे 3 घंटे स्टोर में रहे, पूरा विजिट किया, 1-2 घंटे क्लास भी करी, एक आध मोबाइल फोन थे उससे भी उन्होंने ठीक कराया। तो जब उनको लगा कि नहीं सर हमको हमको सीखना चाहिए, तब सर उन्होंने 2-3 दिन बाद के लिए अपने बैच को ज्वाइन किया, और वो कह रहे हैं कि सर मुझे लगता है कि अब मैं सही जगह आया हूँ, और मेरा जो 7-8 साल जो मैंने समय व्यतीत किया, अगर मुझे लगता है मैं काफ़ी पहले सीख लेता तो आज मैं अच्छी चीज़ों पे काम करता और सब दुनिया भर की चीज़ों में बच जाता और मेरा कई लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मैं यही सोचता रह जाऊँगा, समय निकालूंगा, 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये खर्चा करूँगा और यही लगता था कि सीख पाऊँगा कि नहीं सीख पाऊँगा। तो कहते नहीं है ज़िंदगी में आदमी मुसीबत तभी होती है जब आप मुसीबत आ जाती है तभी सीखने की निभाता है। जैसे आदमी के अगर कोई भी छोटा सा फोड़ा हो जाता है तो अपना ऑपरेशन कराने के लिए निभाता है, वो भागता है जब है जब उसके दर्द होने लगता है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए छोटा सा दर्द और लेना चाहता है ताकि उस दर्द के बहाने उस दर्द को ठीक किया जा सके और हमेशा के लिए मुक्ति पाई जा सके। तो इसी तरीके से दोस्तों बहुत ऐसे लोग हैं जो आज मोबाइल फोन रिपेयरिंग की लाइन में काम तो कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी ट्रेनिंग नहीं ली है, एक बार अच्छे से सीखा नहीं है, और न सीखने की वजह से आज उनके साथ में बहुत सारी कमी बनी हुई है। तो उस कमी को दूर करने का दोस्त एक यही इलाज है, आप सब चीज़ों को सीख डालिए, अच्छे से काम करिए। दोस्तों मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ जो आज कई सालों से जॉब कर रहे हैं या कुछ भी अपना काम कर रहे हैं या स्टूडेंट्स लाइफ से जुड़े हुए हैं, अगर आप इस चीज़ को अगर देखा जाए तो एक छोटा सा ऑपरेशन एक मिशन की तरह अगर आप सीख लेते हैं तो आगे चल करके बहुत अच्छे मूवमेंट के लिए आप रेडी हो सकते हैं और आगे काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने पार्ट टाइम बेसिस पे काम कर सकते हैं, जो आज मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं, जो डब्बा ले लेकर के दूसरी दुकानों में घूम रहे हैं, आज उनका घूमना बंद हो सकता है, वो अपना एक ही जगह पर काउंटर पर बैठ कर अपना मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। जो लोग ऐसे हैं अपने कैरियर को लेकर के सुनिश्चित होना चाहते हैं तो वो लोग भी सीख करके एक अच्छे से कैरियर को फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आजकल मोबाइल फोन से ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ है। अगर ऐसा कोई आदमी नहीं जो दुनिया जान में जिस आदमी के पास मोबाइल फोन ना हो, मैं आपको इस बात का गारंटी के साथ में चैलेंज देकर कहता हूँ, आप अपने आस पास के एरिए के सिर्फ मात्र पूरा कोर्स में फ्यूचर सिखाने को तैयार हूँ, सिर्फ 100 आदमी आसपास, जब आदमी आप सुबह आँख खुले, आँख खुलने के बाद आप देखना ऐसा दिन चला जाए जो 100 आदमी आपको ढूंढ के दिखा देना जिसके आदमी सिर्फ मोबाइल फोन है, सिर्फ वो आदमी ढूंढ के बताना कि ये भैया तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, तो हाँ मेरे पास मोबाइल फोन है, बेशक नहीं लिए बोलते घर पर रखा है मोबाइल फोन है, अरे मेरे पास नहीं तो मेरे भाई के पास है, फिर जब भाई से बात करोगे तो बोलेंगे पापा का नंबर अलग है, मम्मी का नंबर अलग है, बहन का नंबर अलग है, मेरा नंबर अलग है, मेरी
बिजली का नंबर अलग है, इस तरीके से जितने सारे नंबर है सारे नंबर आपको अलग अलग गिना देगा। क्यों गिना देगा? क्योंकि पांच पांच छह छह फोन चला रहा है। तो जब इस लाइन में इतने सारे यूजर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, तो जाहिर सी बात है इसका फ्यूचर तो बढ़ने वाला है। फ्यूचर क्यों बढ़ने वाला है भाई? आपके पास इसका कस्टमर होने वाला है। आप अगर एक आयरन कहिया हार्डन मशीन टूल्स लेकर के बैठ जाते हो, आप डेली का सजी ₹1000 काम करोगे, तो थर्ड क्वालिटी की मैं बात करता हूँ। लेकिन दोस्तों आप एक अच्छी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, इन सब चीजों के बारे में आप सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको इन सब चीजों की वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं कि मोबाइल होने पर संबंधित क्या आपको आता है क्या नहीं आता, या हमारे अंदर कोई ऐसी कमी है जिस चीज का आप सुझाव देना चाहते हैं कि सर ऐसा सुधार होना चाहिए, या ऐसी चीजों के बारे में हमको वीडियो मिलना चाहिए, या ऐसे संबंधित हमको सोल्यूशन मिलना चाहिए, तो आप दोस्त अपना सुझाव जरूर दें। और वीडियो को अपना जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं उसी तरीके प्यार देते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। अगर हम कहीं ना कहीं आपको जाने नहीं आने अगर कुछ दो चार चीजें सिखाते हैं, तो आप भी सर मेरे लिए मदद करिएगा, वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी 10 लोगों को वीडियो को मिल सके और वीडियो के माध्यम से देख सके, वीडियो को वॉच कर सके, उनको चार चीजों के बारे में सीखने के लिए मदद हो सके। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तब तक ये बात ध्यान रखिएगा, कोई तीसरा आपकी जिंदगी में कभी मदद करने के लिए खड़ा नहीं होगा। तो हम आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं हमारी करें और 10 लोगों की और भी मदद हो सके। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।